500 मीटर की ऊंचाई पर आमेर वॉच टावर से रिपोर्ट। फिसलती चट्टानों पर 10 घंटे तक रात भर चला सर्च ऑपरेशन। एक एक कर नीचे लाए 11 लाशें। अब पुलिस ड्रोन से छान रही है चप्पा चप्पा। जयपुर में मानसून की पहली बारिश काल बनकर आई। रविवार शाम करीब 7 बजे मूसलाधार बारिश के बीच कड़कड़ाते हुए गिरी आकाशीय बिजली ने आमेर में मावठे के सामने करीब 500 मीटर की ऊंचाई पर बने वॉच टावर पर सैर सपाटा करने पहुंचे 11 लोगों की जान ले ली। 10 से ज्यादा लोग बिजली गिरने से झुलस गए। हादसे के बाद करीब आधा घंटे तक लाशों के बीच घायल लोग भी बेसुध पड़े रहे। इस बीच घाट गेट के रहने वाले इजहार को होश आया और उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर मोबाइल फोन से हादसे की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद आमेर थाना पुलिस और कलेक्ट्रेट में मौजूद सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम रवाना हुई। आमेर ACP सौरभ तिवाड़ी मौके पर पहुंचे। वहां SDRF की टीम भी बुला ली गई। तब वहां इकट्ठा हुए लोग भी रेस्क्यू टीम की मदद में जुट गए। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रात 8 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू कर्मियों के पहाड़ी पर पहुंचने तक काफी अंधेरा हो चुका था। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रात करीब 8 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इस बीच ड्रैगन टॉर्च भी मंगवाई गई। इससे अंधेरी पहाड़ियों पर सर्च करना थोड़ा आसान रहा। रात भर चले ऑपरेशन में एक भी घायल पहाड़ियों पर नहीं मिला। यह रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार सुबह 7 बजे खत्म हुआ। इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जवानों ने ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर सर्च करना शुरू किया। इस बीच SDRF की 2 बटालियन में मौजूद जवान भी अंतिम सर्च ऑपरेशन में जुटे गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची डिजिटल की टीम रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ रही और पल पल की अपडेट अपने पाठकों तक पहुंचाती रही। सिविल डिफेंस की 23-23 की 3 टीमें बनाकर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जगदीश रावत ने बताया कि शाम 7:29 पर आमेर में बिजली गिरने की सूचना मिली थी। इसके बाद आमेर में मौजूद सिविल डिफेंस के जवान बबलू सैन, शाहबाज, हंसराज और गौरी शंकर ऊपर गए। करीब आधा घंटे की चढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल डिफेंस के जवान मौके पर पहुंचे। वहां मलबे के बीच कई लोगों को अचेत पड़े देखा तो होश खो बैठे। तब कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम को बताया कि हादसा बड़ा है, यहां काफी ज्यादा कैजुअल्टी है। इसके बाद जगदीश प्रसाद रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 23-23 जवानों की टीम बनाई गई। इनमें पहली टीम के बेसुध पड़े लोगों को CPR देना शुरू किया, ये पता लगाना शुरू किया कि घटनास्थल पर कौन जिंदा है और कौन जान खो बैठा है। इसी तरह दूसरी टीम ने घायलों को स्ट्रेचर और खंधों पर बैठाकर स्थानीय लोगों के साथ नीचे एम्बुलेंस तक लाना शुरू कर दिया। घटनास्थल पर 108 एम्बुलेंस की 10 गाड़ियां मंगवाई गई। पहाड़ी की चोटी पर फिसलती चट्टानों व सीढ़ियों से स्ट्रेचर पर घायलों व मृतकों को रेस्क्यू करना उतारना था चैलेंज। सिविल डिफेंस कर्मी महेंद्र सेवदा, बबलू सैन, अशोक गुर्जर व अन्य ने बताया कि हादसे के बाद तेज बारिश से पहाड़ी पर चट्टानें गीली होने से फिसलन भरी थी। यहां से 27 लोगों को रेस्क्यू कर नीचे उतारना एक चैलेंज था। सीढ़ियों पर भी फिसलन थी, इनकी ऊंचाई करीब 1.5 फीट थी। ऐसे में टीम के साथियों ने बमुश्किल एक दूसरे का हौसला बनाए रखा और घायलों और मृतकों को लेकर नीचे आए। बबलू के मुताबिक आपदा बड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।